नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार आज फिर आ चुका हूँ आपके लिए एक और नई अनबॉक्सिंग लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुझे पता है कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया वीडियो को आए, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि वीडियो आती रहेंगी, क्योंकि मैं वीडियो बनाना बंद नहीं करूंगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये मीवी का हेडफोन्स जो कि ब्लूटूथ के साथ आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इसके क्या क्या फीचर्स हैं और आपको ये खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपनी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो आप जल्दी से देख क्या ये अनबॉक्सिंग, फिर हम बात करेंगे इस मीवी के थंडर बीट्स की जो कि मैंने हाथ में है अभी। तो जल्दी से जाइए और जल्दी से वापस आइए। तो दोस्तों, कुछ ऐसा पैकेट आया है अमेज़ॉन की तरफ से जो कि मैंने परचेज़ किया था मीवी के थंडर बीट्स को। तो इसका रैपर जल्दी से हम कट कर लेते हैं, फिर देखते हैं अंदर क्या निकलता है। तो हमने कट कर लिया है, ये हमारा मीवी का थंडर बीट्स का बॉक्स निकला है अंदर से। तो इसको भी हम जल्दी से इसका देख लेते हैं बॉक्स के ऊपर क्या लिखा है। थंडर बीट्स सामने की तरफ लिखा है, साइड में थोड़ा फोकस करते हैं। यहाँ लिखा है डिज़ाइन एंड इंजीनियर्ड बाय इंडिया, एंड यहाँ पे पीछे की तरफ कुछ डिटेल्स दिख जाती हैं आपको जो कि मेन डिटेल्स हैं इस ईयरफोन की। तो ये सब मैं आपको बाद में बता दूंगा, बाकी आप पढ़ सकते हैं इसको। तो जल्दी से इसका रैपर भी खोल देते हैं हम। तो कट कर लेता हूँ मैं और इसकी पिन्नी निकाल लेते हैं पहले। तो ये कट कर लिया, अब है सबसे मज़ेदार हिस्सा इसकी रैपिंग निकालना। रैपर हटा दिया है हमने, अब जल्दी से बॉक्स को खोलते हैं। ये कैसे खुलेगा, इसको स्लाइड भी नहीं हो रहा, ये तो इसको देखना पड़ेगा कैसे खुलेगा ये। तो मैं इसको खोलता हूँ जल्दी से, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो इसको नाखून से निकालना पड़ेगा मुझे। चलो निकला तो थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, अब निकल जाएगा ये पूरा। तो अब इसको जल्दी से ओपन करते हैं, अटक रहा है अभी भी। ये ओपन कर लिया है मैंने। हाँ, बॉक्स ओपन करते ही ये वारंटी कार्ड मिल जाता है जो 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है ये थंडर बीट्स। तो अब सामने की तरफ हमारे यही मीवी के थंडर बीट्स रखे हुए हैं। तो अब जल्दी से इसको निकाल के साइड में रखते हैं, ये पूरा बाहर आएगा उसके बाद ही शायद निकल पाए। तो इसको निकाल के हम साइड में रखते हैं और देखते हैं अंदर बॉक्स में और क्या क्या है। तो इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो बॉक्स के अंदर ये हमें एक पैकेट मिल जाता है, इसके अंदर आप ईयरबड्स देख सकते हैं और ईयर में फिट होने वाले एक ईयर कप्स भी होते हैं जो कि साइड से निकले से होते हैं, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं। तो वही अलग अलग साइज़ के हैं। तो इसको भी जल्दी से कट करके मैं दिखाता हूँ आपको कितने ईयर कप्स और बड्स जो भी है मिलते हैं। तो जल्दी से इसको हाथ में देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे हमें ये थोड़े बहुत ईयरबड्स मिल जाते हैं जो कि आपके ईयरफोन्स में अलग अलग साइज़ के लिए लग जाएंगे। तो इनको हम साइड में रखते हैं और ये हमें केबल मिलती है इनको चार्ज करने के लिए, तो इसको भी साइड में रखते हैं। और बॉक्स के अंदर ये एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है जो कि छोटी सी है लेकिन हमें नहीं पढ़नी, तो इसको भी साइड में रख देते हैं। और बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम अपने ईयरफोन्स को निकालते हैं। तो ये हमारे ईयरफोन्स आ गए, इसको ऐसे बाहर निकाल लेता हूँ मैं पहले, फिर बताता हूँ इसके बारे में। तो ये ऐसे निकल जाते हैं आराम से, तो इसको निकाल लेते हैं हम बड़े प्यार से ताकि ये ख़राब भी ना हो। तो निकाल लिया एक साइड का, ये भी निकाल लेते हैं जल्दी से, थोड़ा सा अटक गया, निकल गया। तो ये देख सकते हो आप कितने बड़े हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी वायर इतनी सी है, और यहाँ पे हमें ये कंट्रोल्स मिल जाते हैं वॉल्यूम अप एंड डाउन और प्ले पॉज का, और थोड़ा सा अलग सा डिज़ाइन है। और ये हमारे मीवी के ईयरफोन्स, इनमें मैग्नेट आता है जो कि आराम से चिपक जाता है ताकि आपके ईयरफोन्स इधर उधर ना हो। तो ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ पे इसमें हमें चार्जिंग की भी वो मिल जाती है, तो इसको जल्दी से ऑन कर लेता हूँ मैं और सुन के देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या सीन है इसका, कैसी क्वालिटी आती है और क्या क्या है इसमें फीचर्स। तो जल्दी से मैं इसको पेयर करता हूँ अपने फ़ोन से। आपको ये अनबॉक्सिंग अच्छी लगी होगी, तो अनबॉक्सिंग में तो बस इतना ही था। तो अब हम बात कर लेते हैं इसी मीवी के थंडर बीट्स की। तो आपको साइज देख के पता ही चल रहा होगा मेरे हाथ में कि ये कितने बड़े हैं।
तो जैसे कि हम इसको ऐसे ईयर में लगाते हैं तो ये ऊपर वाला हमारे कान के अंदर जाता है, तो कंफर्टेबली घुस तो जाता है, निकलने का भी कोई डर नहीं है, लेकिन ये जो ऊपर वाला, ये जो रबड़ का जो भी है, इसको जो भी बोलते हैं, उससे कान में मेरे तो बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि ये मुझे आदत नहीं है ऐसे लगाने की। लेकिन इसका बेस, जो मेन चीज है इसमें अच्छी, वो है इसका बेस, क्योंकि इसका बेस बहुत ही तगड़ा है। इसका थंडर बीट्स इसीलिए नाम है क्योंकि इसका बेस तगड़ा है, लेकिन जो साउंड क्वालिटी है वो इतनी क्लियर नहीं है, थोड़ा सा फट के आवाज आती है, तो इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। तो ये 900 की कीमत के साथ आता है और इसमें हमें देखने को मिल जाता है 7 घंटे की बैटरी लाइफ, और आप 8 घंटे भी चला सकते हैं अगर आपको कुछ ज्यादा मेजर यूज ना करना हो। और प्लेबैक टाइम बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका बिना यूज किए आप 8 घंटे चला सकते हैं। और मेनली आपको इसमें मिल जाता है IP4 की रेटिंग, जिससे आप स्वेट वेट इस पे जाए तो ये खराब ना हो। और इसमें हमें नॉइस कैंसिलेशन अच्छा मिलता है, मैंने भी सुन के देखा तो बाहर की नॉइस बहुत ही कम ना के बराबर आ रही थी। और इसमें हमें ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया बेस तो इसका तगड़ा ही है, तो मैंने इसको यूज किया, अच्छा है। अगर आपको बेस अच्छा चाहिए तो ये बहुत ही अच्छे ईयरफोन्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करें इसके साउंड क्वालिटी की तो इतना भी अच्छा नहीं लगा। तो आपकी मर्जी है, आप खरीद सकते हैं, 900 की कीमत के साथ आता है। और शायद आपको एक और अनबॉक्सिंग देखने को मिले JBL की इन्फिनिटी ईयरफोन्स की, वो भी नेक बैंड ही है, तो उसके भी मैं आपको रिव्यू करके बता दूंगा कि वो ज़्यादा अच्छे हैं कि ये। तब तक के लिए आप इसको प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको बस बेस चाहिए तो, बेस क्योंकि इसमें मेन तगड़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।